नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव से पहले राम और अयोध्या फिर सुर्खियों में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में जुट गई हैं। वर्षों से दबा राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार न सिर्फ भाजपा बल्कि समाजवादी पार्टी की भी हिंदू वोटों पर नजर है। जहां भाजपा अयोध्या में राम पर केंद्रित संग्रहालय बनाने की तैयारी कर रही है, तो समाजवादी पार्टी रामलीला थीम पार्क बनाने जा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया है कि चुनाव के मौके पर भाजपा और सपा दोनों मिलकर अयोध्या मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं। दशहरे पर लखनऊ में नरेंद्र मोदी के जय श्री राम के उद्घोष को भी विपक्षी पार्टियां उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने भी अयोध्या पहुंचे थे। हालांकि इस बात को लेकर भाजपा में ही मतभेद हैं। भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि हमें राम मंदिर चाहिए, म्यूजियम नहीं। इस लॉलीपॉप से कुछ नहीं होने वाला। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि राम मंदिर हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। कटियार ने कहा कि दौड़ चल रही है, कोई संग्रहालय बना रहा है तो कोई थीम पार्क। हम अयोध्या के इन घटनाक्रम का स्वागत करते हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बिना सब बेकार है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की राय कुछ और ही है। वे कहते हैं कि राम मंदिर तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही बन पाएगा। राम के नाम से म्यूजियम भी 2019 के पहले नहीं बनेगा, फिर उसके बारे में क्यों बात करना। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एक बात तय है कि भारत में चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर नहीं जीते जा सकते, मुद्दा राम का हो या फिर विकास के काम का। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हर पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख सुर्खियों पर। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के चमोली में दुर्घटनाग्रस्त। अमेरिका की भारत पाकिस्तान को सलाह, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं विवाद। बुंदेलखंड के महोबा में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए हल्दी और चावल से न्योता। कश्मीर के सोपोर में दरगाह और मस्जिद में रहस्यमय ढंग से लगी आग। गोमांस पर टिप्पणी को लेकर मार्कंडे काटजू को नोटिस। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।